बात है, और सिर्फ इनकी मनोज की और जो है अपने राहुल यादव की, इनकी कमी की वजह से। राहुल यादव उनको बताया तो वो करे स्ट्रेचर लेके आइए, मरीज को यहाँ एक घंटे तक ना तो स्कूल मिला ना स्ट्रेचर मिला। और ये जो है अपना ये हमसे कह रहे थे कि जब बेड मिलेगा, जब बेड होगा तब एडमिट करेंगे, बताइए जिसकी प्लेटलेट 25,000 रह गई हो उसके लिए बेड का इंतजार करा जाए, ये बताइए हमको। लेकिन अगर व्यवस्था सही हो जाती है तो कोई जरूरत नहीं, वरना हमने सीमेंट साहब से कहा है हम जाके अपना डीएम साहब से मुलाकात करेंगे और बताएंगे पूरी बात से अवगत कराएंगे कि ये हाल चल रहा है हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज का। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है, मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही खबर डालते एक नजर, और आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर और फार्मेसिस्ट ऐसे हैं जिनकी भाषा शैली इतनी खराब है मानो अपने घमंड में चूर रहते हैं। ऐसा ही मामला आज सामने आया जिसमें सपा के दिग्गज नेता अनवर खान भी पहुंचे, और पहुंचने के बाद डॉक्टर महाशय के साथ साथ फार्मासिस्ट ने भी एक अभद्रता जैसा व्यवहार किया। अमूमन ये कहा जाता है कि डॉक्टर वो होता है जो परमात्मा का दूसरा रूप होता है, और आधा मर्ज मरीज का सही हो जाता है कि जब डॉक्टर की वाणी, डॉक्टर का मिजाज, डॉक्टर की आदत ऐसी होती है कि आधा मरीज सही हो जाता है उसकी बातचीत से। इतना व्यवहारी बातचीत का नाता एक डॉक्टर का बनाया है, क्योंकि मर्ज तो मरीज का होता है लेकिन दवा से ज़्यादा असर होता है डॉक्टर की तसल्ली का, डॉक्टर के व्यवहार का। लेकिन आज जो नज़ारा सामने आया, अपनी आदत से मजबूर हैं डॉक्टर राहुल यादव EMO। आज मामला ऐसा ही सामने आया मेडिकल कॉलेज में, समाजवादी के दिग्गज नेता शाहजहांपुर के अनवर खान शद्दन, जो कि अरवा खानपुर के रहने वाले, काफ़ी बीमारी हालत में शद्दन के परिवार वालों ने सपा के नेता अनवर खान से कहा कि शद्दन की हालत गंभीर है, मेडिकल कॉलेज में दिखवा दीजिए। और इसी के साथ अनवर खान शद्दन को लेकर मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में आए, और आने के बाद अनवर खान के अनुसार जब फार्मेसिस्ट के पास गए और कहा कि इनकी प्लेटनेस और इस हिसाब से आप जल्दी से ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए या देख लीजिए ताकि इनकी हालत खतरे में है, तो फार्मेसिस्ट का ये कहना था कि खड़े रहिए, अभी बेड नहीं है, अभी हम नहीं देख पाएंगे। इस बात को सुनकर सपा नेता अनवर खान EMO डॉक्टर राहुल यादव की ड्यूटी थी उनके पास गए और कहा डॉक्टर साहब शद्दन की हालत काफ़ी ख़राब है, आप देख लीजिए। तो डॉक्टर राहुल यादव का कहना क्या था अनवर खान के अनुसार, ये कहना था कि खड़े रहिए, अभी बेड नहीं है, जब बेड होगा तो इलाज चालू होगा, फिर हम देखेंगे। हालांकि अनवर खान का ये कहना है कि मैंने एक आजिज़ी भरे लहजे में कहा, मैंने एक मासूमियत भरे लहजे में कहा, मैंने एक मानवता के अनुसार कहा कि डॉक्टर साहब देख लीजिए शद्दन को काफ़ी हालत है, क्योंकि वो जो है शद्दन दो अपने दोनों हाथ दूसरे के कंधे पर रखा हुआ है, चला नहीं जा रहा है, प्लेटनेस 25,000 है, ब्लड है नहीं, आप देख तो लीजिए। लेकिन डॉक्टर राहुल यादव अपनी ही बीन बजाते रहे, ये कहना है अनवर खान का, और फार्मेसिस्ट की कान पर भी जू नहीं रहेगी। आखिरकार शद्दन को प्राइवेट भेज दिया गया नर्सिंग होम में, और इसी बीच सपा के नेता अनवर खान पहुंचे CMS के पास और शिकायत करी। हालांकि सपा के नेता ने यह भी कहा है कि इस तरीके के हालात, जब हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है और हम किसी मजलूम को लेकर आए हैं तो ये हालत है, तो गरीब आदमी के साथ कैसा व्यवहार होता होगा, गरीब आदमी कैसे झेलता होगा। मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके का दारोमदार चल रहा है, जिस तरीके की भाषा शैली कुछ डॉक्टरों की है, क्या तमाशा बना रखा है, कैसे संतुष्ट होता होगा मरीज। हालांकि अनवर खान सपा के नेता ने अपने नेताओं को भी फ़ोन करा, लेकिन नेताओं ने जब फ़ोन करा अनवर खान को कि क्या मामला है, तो अनवर खान ने ये कहा कि नहीं,
इस मामले में सीएमएस से हमने बात कर लिए और अगर यही ढर्रा रहा तो हम जिला अधिकारी के साथ साथ योगी को भी बताएंगे कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है। ये मेडिकल कॉलेज बीमारों के लिए है, ना कि आराम से बैठे हुए कुछ ट्रॉमा सेंटर के अंदर डॉक्टर जिस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, जिस तरीके से भाषा शैली है, क्या उससे मरीज संतुष्ट होगा, क्या उससे मरीज सही होगा। काफ़ी नाराज दिखे सपा के नेता अनवर खान, उनका ये कहना है मेडिकल कॉलेज में इस तरीके की लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल मिला के हम आपको दिखाते हैं कि विस्तार से किस तरीके से क्या क्या हुआ और सपा नेता ने क्या करा और क्या बताया। मिश्रा जी से हमारी बात हुई थी, हमने 10 आवाज़ें लगाई, पूरा गला फाड़ फाड़ के यहाँ से वहाँ तक पूरा देखा, सेंटर कहीं पर नहीं हमको मिला। आप बात में आए, जब आपको फोन किया था हमने ये कहा कैटेगरी अलग करना पड़ेगा, जो इमरजेंसी मरीज है उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाएगा और जो नॉर्मल पेशेंट है उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट दीजिए। जिसकी प्लेटलेट थ्री डाउन हो गई उसको लेटरिन आने लगी, उसके बाद आधे घंटे ज़्यादा टाइम ही नहीं था, वो पेशेंट हमें पता ही नहीं कहाँ ले भाग गया। आप मरीज कहाँ पर, मरीज तो ले गए वो बहुत ही लेट भाग गए, और सिर्फ इनकी मनोज की और जो है अपने राहुल यादव की इनकी कमी की वजह से लेट भाग गए, और सिर्फ इनकी मनोज की और जो है अपने राहुल यादव की इनकी कमी की वजह से लेट भाग गए, और सिर्फ इनकी मनोज की और जो है अपने राहुल यादव की इनकी कमी की वजह से इन्हीं लोगों ने जो भी यहाँ पे उनके साथ पेशेंट लेट भाग गए। मरीज भी यहाँ पर नहीं मिला, नहीं जब आप आए हैं उस टाइम तक मरीज इतना सीरियस था कि वो यहाँ रुक नहीं सकता था जी। उसकी 25,000 प्लेटलेट रह गई थी, हमने यहाँ रिपोर्ट आ की भाई डॉक्टर यादव जी कौन है, वो क्या नाम है, राहुल यादव, उनको बताया तो वो करे स्ट्रेचर लेके आइए। मरीज को यहाँ एक घंटे तक ना कोई स्कूल मिला ना स्ट्रेचर मिला, और ये जो है अपना ये हमसे कह रहे थे कि जब बेड मिलेगा, जब बेड होगा तब एडमिट करेंगे। बताइए जिसकी प्लेटलेट 25,000 रह गई हो उसके लिए बेड का इंतजार करा जाए, ये बताइए हमको आप। ये मनोज तो बाबू है, ये दादा मरीज जब हम आए हैं आपका मरीज। आप सीएमएस से आपके पास गए, हमारे वहाँ हुआ खानपुर के लोग हैं, उनका बेटा सुबह जब उसकी जांच कराई, जब उसका नीचे का दोनों का पैर काम नहीं कर रहे थे, जब उसकी वहाँ जांच कराई तो उसकी प्लेट डेट 25,000 निकली और हेमोग्लोबिन उसका 6 निकला, तो उसके घर वाले एकदम घबरा गए और हमको इन्फॉर्म किया, हम खुद साथ में लेके उसको यहाँ लेके आए ट्रामा सेंटर में। ट्रामा सेंटर में एक डॉक्टर राहुल यादव जितने उनसे बात करी, वो कहने लगे कि स्ट्रेचर का इंतजाम कर लीजिए और मरीज को स्ट्रेचर में लेके आइए, तो दो लोग मरीज को हाथों में टांगे खड़े रहे लगभग 40 मिनट तक, ना स्टूल पे कहीं बैठने का इंतजाम था, ना कहीं स्ट्रेचर था, ना कहीं बेड था। उसके बाद एक साहब और बैठे हुए थे, मेरा कम थोड़ा कोई मरीज वरीज के सिलसिले भले ही आना हो, उनसे हमने पूछा आप क्या नाम है, तो उन्होंने नाम बताया अपना शायद मनोज को, बोले हम बाबू यहाँ पे, तो हमने कहा ये इमरजेंसी पेशेंट है थोड़ा इसको जल्दी देख लीजिएगा, इसके प्लेटलेट्स वगैरह या ब्लड जो भी चढ़ना हो, तो कहने लगे बेड खाली नहीं है और जब तक बेड नहीं खाली होगा हम इसको एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन बेड खाली नहीं है और जब तक बेड नहीं खाली होगा हम इसको एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन बेड खाली नहीं है और जब तक बेड नहीं खाली होगा हम इसको एडमिट नहीं करेंगे, और उसके बाद जो है इसका प्रोसीजर शुरू होगा। तो हमने कहा इसमें तो घंटे लग जाए, बोले जितना भी टाइम लग जाए, उन्होंने मतलब कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। हालत सीरियस थी, हालत बहुत सीरियस थी, वो तो पेशेंट जो है अभी मेरा मोबाइल गाड़ी में लाग हो गया किसी में, इससे शायद उसका रिमोट ख़राब हो गया होगा, तो हम चाह रहे थे कि मोबाइल से पूछ लेते मरीज को कहाँ ले गए, अभी मरीज भी वहाँ से एकदम इतना वो सीरियस हो गया लेके उसे भाग गए फौरन, यहाँ रुके नहीं इसको। तो फिर हमने जो है डॉक्टर गंगवार साहब उनसे भी मुलाकात करी, लेकिन जब तक वो मरीज लेकर चले गए तो हमने सीएम साहब की बिना में डाल दिया कि जब मेरे साथ ये सुलूक कर रहे हैं तो आम आदमी के साथ में क्या सुलूक कर रहे होंगे, जो बेचारे गरीब देहातों के लोग आते हैं उनका भी बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल कर क्या मान के चल रहे हैं, किस तरीके की लापरवाही देखने में आई है भाई। जो यहाँ पे जिम्मेदार हैं, जो बैठे हुए हैं, जिनकी ड्यूटी होती है, उनको जो है देखना चाहिए कौन सा मरीज़ ज़्यादा सीरियस है, कौन सा मरीज नॉर्मल है, जो नॉर्मल हो उसको नॉर्मल के हिसाब से डील करें, और जो इमरजेंसी मरीज़ हो सीरियस हो उसको उस हिसाब से डील करें। उन्होंने जो है 45 मिनट तक जिसकी प्लेटलेट 25,000 होमोग्लोबिन 6 उसको उन्होंने लगभग 45 मिनट तक
दो लोग उसके हाथों पे टांगे खड़े रहे उसी कमरे में, और वो जो थे डॉक्टर साहब यादव जी और मनोहर, ये देखते रहे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या इस मामले में डीएम साहब को बचाएंगे? नहीं, अभी हमने अखीमत साहब से बात करी, अगर वो इस मामले में कुछ समाधान करते हैं, अब चलिए वो पेशेंट तो हमारा जो है वो सफ़र कर रहा है परेशानी से, लेकिन अगर व्यवस्था सही हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना हमने सीमेंट साहब से कहा है हम जाके डीएम साहब से मुलाकात करेंगे और बताएंगे पूरी बात से अवगत कराएंगे कि ये हाल चल रहा है हॉस्पिटल का, मेडिकल कॉलेज का। बात नहीं करेगा ये बताइए, हम आराम से बात कर रहे हैं, हमने कहा ये इमरजेंसी पेशेंट है, इसकी प्लेटलेट्स 25,000 रह गई है, इसका होमोग्लोबिन 6 रह गया है, जवान लड़का है 25 साल का, इसको ट्रीटमेंट शुरू करा दीजिए, आप चाहे उसे बेंच के ऊपर लिटार के शुरू करा दीजिए, चाहे आप उसको जो है स्ट्रेचर भी लिटार के शुरू करा दीजिए। हाँ वही तो, लेकिन 45 मिनट तक दो लोग उसको बगलों में हाथ डाल के टांगे खड़े रहे क्योंकि उसके पैर नहीं काम कर रहे थे, यह है। और उसका इत्तफाक से सीसीटीवी अगर आपके वहाँ होगा तो उसकी फोटो निकलवा लीजिएगा, और उस समय इत्तफाक ये है कि हम जल्दी में आए थे सुबह, तो मेरे साथ जो लोग रहते हैं जो होते हैं आमतौर से वो थे नहीं, वरना वो वीडियो बना लेते जो जो कुछ लोगों ने बदसलूकी करी मरीज के साथ और हमारे साथ। अब ठीक है, मरीज़ तो वो अपना ले गए दूसरी जगह ना, जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं सुनी जाएगी, आदमी आता है कि यहाँ सुनी जाएगी, जब नहीं सुनी जाएगी तो प्राइवेट में भागेगा ही। चलिए ठीक है डॉक्टर। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग केजीएन इंडिया न्यूज, माई सेल्फ मानसी अरोड़ा ऑन द चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन फर्स्ट सब्सक्राइब इट और प्रेस द बेल आइकन।